अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। यूरोप के डॉक्टरों ने हिंदुस्तान, बर्मा, लंका, जावा, मलाया, बोर्नियो और मलाका की जड़ी बूटियों पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें होकर की फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया सबसे ऊंचा दर्जा रखती है। ये किताब 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर एक हिस्से में 700-800 सफ़ात हैं और इसमें हैरानगी की बात यह है कि ये मुकम्मल किताब छपने में 25 साल लगे। यानी कि इस किताब की अफादियत और इस किताब के वसअत को आप इस बात से देख सकते हैं कि इसको छापने में 25 साल का अरसा लगा। इसके बावजूद ये कहा नहीं जा सकता कि इसमें हिंदुस्तान की तमाम जड़ी बूटियों का जिक्र मौजूद है। यहाँ तक कि होकर ने खुद ही इस किताब को रास्ता दिखाने वाली किताब समझा और इससे बड़ी किताब की ज़रूरत बताई। यानी कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में इतनी जड़ी बूटियाँ खलक की हैं कि उसने इतनी बड़ी किताब लिखी जो 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उसको छपने में 25 साल का अरसा लग गया। तो इतनी बड़ी किताब के बावजूद भी उसने अभी कहा कि यह रास्ता दिखाने वाली किताब है, जड़ी बूटियों पर इससे भी बड़ी किताब लिखने की ज़रूरत है। पाको हिंद में अनगिनत गैर मरूफ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनके तबई खवास के मतलब वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सदी के इब्तदाई हिस्सा में हिंदुस्तान के नबाताती दवाओं की कदर कीमत मालूम करने की कोशिश की गई है। चनाचा कलकत्ता में स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसन में कर्नल रामनाथ चोपड़ा ने दवाई पौधों पर काम शुरू किया और इसके बाद हाल ही में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सलहट में देसी अदविया की जांच पड़ताल के लिए रिसर्च लेबॉरेटरी कायम की है जिसमें पौधों के मौसर दवाई अज्जा दरियाफ़त किए जा रहे हैं।